भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए अनेक अनेक नीतियों को अपनाया है। देश की ये पहली सरकार है कि जिस सरकार की सभी नीतियाँ महिलाओं को केंद्र स्थान में रखी हुई की गई है, तो स्वाभाविक रूप में महिलाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान पार्टी की तरफ है और महिलाएं ज़रूर इन सब चीज़ों को समझते हुए बीजेपी को फिर से चुनकर देने का उन्होंने मन में तय भी किया है। पूरे देश में मैं घूम रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि महिलाओं का बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है और हरियाणा की बहनें ज़रूर वो भी समर्थन करेगी, आज ये मैंने महसूस किया है। हम वकालत नहीं करते हैं, हम ज़रूर उसके साथ है और ये बोलने की बात नहीं है, हमने ये पहले से प्रूव ही किया है। जब अटल जी की सरकार थी तभी हमने 33% आरक्षण का बिल हम लेकर आए थे और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि तब के विपक्ष कांग्रेस इन सब लोगों ने तब विरोध किया, इसलिए वो बिल पारित नहीं हो पाया। पर तब से लेके आज तक उससे पहले ही हमारे पार्टी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, हम पद पे काम करते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि देश में पहली बार 7 महिलाएं कैबिनेट मिनिस्टर है जो इस सरकार ने बनाई है। पहली बार 2 महिलाएं हमारी जो केंद्र की जो सुरक्षा समिति है उसकी मेंबर है और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा महिला सांसद विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहती है, प्रत्यक्ष रूप में हम उसका अमल करते हैं। मात्र मुझे विपक्षियों के पूछना है, विशेष रूप से कांग्रेस को, कि जब महिलाओं की बात आती है तो झूठे वादे करते हैं। 33% आरक्षण का आज वादा कर रहे हैं, सालों तक आप सत्ता में थे, आपने तब क्यों नहीं किया? और जब अभी अभी महिलाओं के विषय पे ही ट्रिपल तलाक का बिल आया था, 8 करोड़ मुस्लिम बहनें उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो इस बिल को उन्होंने समर्थन क्यों नहीं दिया? ये बिल राज्यसभा में क्यों पारित नहीं हो गया? तो ये जो उनके आंसू है ये मगरमच्छ वाले आंसू है और महिलाएं जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि ये करने छूटे हैं। 16-17 प्रदेशों का दौरा करके आई हूँ, चुनाव में हिस्सा देकर आई हूँ, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेके आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, उसी के साथ साथ केरला, ऐसे ओडिशा, उसके साथ साथ राजस्थान, ऐसे अनेक प्रदेशों में मैं जाकर आई हूँ और मैंने ये देखा है कि केंद्र ने जो महिलाओं के लिए जो नीति अपनाई है उसको लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर महिलाएं बहुत खुश है, उनको लाभ भी मिला है और आज वो मोदी जी का साथ फिर से देना चाहती है। मुझे ये भी लग रहा है इन सभी माहौल को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय मोदी जी और महिलाएं ये दो ब्रह्मास्त्र है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, हरियाणा प्रदेश में भी जो है बहुत अच्छा माहौल है और इस बार चुनाव का एक अलग ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, कोई धर्म, कोई समुदाय या किसी विशेष के लिए चुनाव नहीं है, ये एक चुनाव राष्ट्र का चुनाव हो गया। आज आप किसी से भी पूछे, सभी ये कहते हैं कि आज हमने वोट अपने देश को देनी है और देश के लिए माननीय मोदी जी से सशक्त आपका दावेदार या आपका प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है। चाहे विपक्षी पार्टी हैं वो भी यही कहती हैं जी, हम जुड़े हुए हैं, लेकिन मन से भी हम यही चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री तो मोदी ही होना चाहिए और सभी की मानसिकता ये बनी हुई है कि हम मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएं।